हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रेसिपी बुक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड़ तिल की चिक्की बनाने की रेसिपी। नॉर्मली हम इसे गुड़ की गजक भी बोलते हैं, तो आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रोस्टेड पीनट, 1 कप जैगरिप यानी कि गुड़, 1/2 टीस्पून घी। तो अभी सबसे पहले हम एक प्लेट पर ऑयल को ग्रीस करके रख लेंगे जिस पे हमें चिक्की बनाकर तैयार करनी है। तो इस प्लेट पर ऑयल को ग्रीस कर लें अच्छे से, जिससे कि हम जब इस पर चिक्कियों को जमाएंगे तो चिक्कियां नीचे चिपकेंगी नहीं और बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगी। प्लेट में घी को अच्छे से ग्रीस करने के बाद अभी हम लेंगे एक पैन और पैन में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना घी। घी को हल्का गर्म होने देंगे और अभी हम इसमें ऐड करेंगे जैगरिप यानी कि गुड़। इस गुड़ को मैंने पहले से ही एक नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ है। पैन में गुड़ को डालने के बाद अभी हम इसे एक स्पैचुला की हेल्प से मिलाएंगे और इसे मिलाते हुए अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपको गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है, इसे हाई गैस के फ्लेम पर ना पकाएं आप। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो इस गुड़ को चेक करने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लें और इसमें 2 ड्रॉप जितनी गुड़ की डालकर उसे साइड में रख दें। जब वो मिक्सर ठंडा हो जाए तब हम उसे चेक करेंगे। इसे इस तरीके से निकाल कर चेक करें, अगर ये आसानी से टूट जाए तो ये परफेक्ट है, बट अभी ये एकदम रबड़ की जैसे खिंच रहा है तो इस तरीके का मिक्सर हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 मिनट तक इसे पकाने के बाद अभी हम इसे एक बार फिर से चेक करेंगे। तो सेम बाउल में हम फिर से 1 से 2 ड्रॉप इसकी डालेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद उसे ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे उस मिक्सर को। तो इसे जब तक चलाते रहें अच्छे से, इसे चलाना बंद नहीं करना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये मिक्सर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है और अभी हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये इस तरीके से टूट रहा है जैसे कोई कांच टूटता है। तो बस हमें इसी तरीके का मिक्सर चाहिए इसके लिए। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे चलाते रहें। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पीनट यानी कि मूंगफली। इन मूंगफली के दानों को मैंने पहले से ही 2 पीसेस में तोड़ कर रखा हुआ है, तो आप हमेशा मूंगफलियों को अच्छे से तोड़ने के बाद यूज़ करें और इसे अच्छे से मिलाएं। मैंने यहाँ पर रोस्टेड मूंगफली यूज़ की है। अगर आप चाहें तो मूंगफलियों को घर पर लाकर भी रोस्ट कर सकते हैं, और अगर उसका तरीका भी आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसे मिला दें अच्छे से। अभी इस मिक्सर को हम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इस मिक्सर को उस प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने पहले से ही ऑयल को ग्रीस करके रखा हुआ है। इस प्रोसेस को आपको थोड़ा झटपट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लेट को पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ था। अभी हम इस पर एक बटर पेपर डाल देंगे और एक बाउल की हेल्प से इस तरीके से इसे दबाकर हल्का पतला फैलाएंगे। मैं यहाँ पर बटर पेपर की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे नॉर्मल ही कर सकते हैं, बट बटर पेपर की हेल्प से इसकी चमक नहीं जाती है और ये एकदम बाजार जैसा दिखता है। इसे अच्छे से बेल लें, आपको जितना भी मोटा रखना है इसे। अभी इससे बटर पेपर को अलग कर देंगे हम। बटर पेपर को इससे अलग करने के बाद अभी हम इसे कट करेंगे। इसको आपको गर्म गर्म ही कट करना है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो कट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसे आपको गर्म गर्म ही कट करना है। इसके लिए आप पीसेस अपनी इच्छा अनुसार छोटे या बड़े जैसे भी आप कट करना चाहें वैसे कट कर सकते हैं। सभी पीसेस को कट करने के बाद अभी हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा कर लिया था, और ठंडा करने के बाद मैंने इन सभी चिक्कियों को एक नाइफ की हेल्प से अलग कर लिया है। अगर इन चिक्कियों को अलग करते समय आपको थोड़ी परेशानी हो या फिर ये नीचे चिपके, तो आप इसे हल्का सा गैस पर गर्म कर लें, उससे ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये टूट रही हैं और ज़रा सी भी चिपक नहीं रही हैं। तो बस एकदम बाजार जैसी चिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं ना। तो है ना फ्रेंड्स, इसे घर पर बनाना कितना आसान। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करना ना भूलें।
कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सर्दियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।